उसमें हमने कहा था कि फॉर ईच को हम लूप की तरह यूज करते हैं पर वो लूप नहीं होता है ये बेसिकली एक फंक्शन है और इसे एरेज के थ्रू आइट्रेट करने के लिए यूज करते हैं आप इस कोड से तो ऑलरेडी फेमिलियर होंगे यहाँ पर हमारे पास एक एरे है जिसमें पांच एरे एलिमेंट्स हैं या फिर हम इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं सिंस ये टाइप एरे का ऑब्जेक्ट है तो ये कुछ स्पेसिफिक मेथड्स को कंटेन करेगा जिसमें से फॉर ईच भी एक मेथड है तो कोड की नेक्स्ट लाइन में हम फॉर ईच मेथड को कॉल कर रहे हैं और उसमें एक एनोनिमस फंक्शन को पास कर रहे हैं अब यह एनोनिमस फंक्शन क्या करता है ये सिंपली एक एलिमेंट को लेता है और उसे प्रिंट करता है कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं दोबारा मैंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम सिर्फ फॉर ईच मैथड को कॉल कर रहे हैं और अनोनोमस फंक्शन को नहीं अब फॉर ईच मैथड के अंदर यह अनोनोमस फंक्शन कॉल होता है क्या आप गेस कर सकते हैं कि यह अनोनमस फंक्शन कितनी बार कॉल होगा अगर आपका आंसर फाइव है तो यू आर राइट इसका रीजन है कि एरे में पांच एलिमेंट्स हैं तो एनोनिमस फंक्शन पांच बार कॉल होगा और हर बार एरे का एक एलिमेंट उसमें पास होगा इसी वजह से हम कहते हैं कि फॉर इच इज नॉट अ लूप बट इट एक्ट्स लाइक अ लूप आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये कोड और क्लियर हो गया होगा और अगर अभी भी आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं इस कोड को दूसरे तरीके से समझाता हूँ इस कोड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर हम एनोनिमस फंक्शन को प्रिंट एलिमेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं और फिर यहां पर हम फॉर इच फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इस प्रिंट एलिमेंट फंक्शन को इसका मतलब है कि हर एलिमेंट के लिए हम प्रिंट एलिमेंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और एक एक करके उसमें एलिमेंट्स पास कर रहे हैं तो ये एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा तो हम फ्रीली चूज कर सकते हैं कि हमें फॉर फॉरिच मेथड को कैसे यूज करना है क्योंकि ये एंटायरली हम पर डिपेंड करता है एंड राइटिंग इट इधर वे मेक्स नो डिफरेंस बिफोर वी प्रोसीड फर्दर हेयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू एरो फंक्शन को यूज करके इस कोड के लिए सिंटेक्स लिखिए नेक्स्ट हम मैप मेथड को डिस्कस करेंगे इट इज ऑल्सो स्पेसिफिक टू एरे ऑब्जेक्ट्स इट रन ऑन एन एरे और क्योंकि हम प्रोवाइडेड फंक्शन में एरे के हर एलिमेंट को पास कर रहे हैं तो एज अ रिजल्ट ये न्यू एरे को क्रिएट करता है चलिए इसे इस एग्जाम्पल की हेल्प से एलेबोरेट करते हैं और कोड को लाइन बाय लाइन समझते हैं यहां पर हमारे पास एक एरे है नंबर्स जिसके पांच एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली नंबर्स हैं फ्रॉम टू नेक्स्ट लाइन में हम मैप मेथड को कॉल कर रहे हैं और उसमें एक एनोनिमस फंक्शन पास कर रहे हैं आप नोट करिए कि यहाँ पर हम एनोनिमस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एरे फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो ये एनोनिमस फंक्शन एग्जैक्टली क्या काम करता है एनी गेसेस ये एनोनिमस फंक्शन नंबर को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है और उसके स्क्र को रिटर्न करता है और हम इस एनोनमस फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं मैप मेथड हमें एरे नंबर के हर एलिमेंट के लिए फंक्शन को कॉल करने में हेल्प करता है इसका मतलब है कि फंक्शन वैल्यूज के लिए पांच बार रन करेगा और ये हमें 1, 4, 9, 16, और वैल्यूज रिटर्न करेगा रिस्पेक्टिवली जैसा कि हमने पहले कहा था कि मैप मेथड एरे पर रन करता है और न्यू एरे को क्रिएट करता है तो मैप मेथड जो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है दैट इज और 25, ये न्यू एरे में स्टोर होंगी और इस न्यू एरे को हम न्यू वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फाइनली कोड की इन लाइन्स को यूज करके हम फॉर ईच लूप की हेल्प से वेरिएबल स्क्वेयर के अंदर स्टोर सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं तो अभी तक हमने इस वीडियो में दो मेथड्स को पढ़ा है जो है फॉर ईच और मैप एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये दोनों मेथड्स कैसे काम करते हैं हम अब तीसरे मेथड को डिस्कस करेंगे जो है फिल्टर एज द नेम सजेस्ट इस मेथड से हम एरे के एलिमेंट्स पे फिल्टर क्रिएट करते हैं और इसके लिए फंक्शन जो कंडीशन प्रोवाइड करता है उसे यूज करते हैं फिर ये फिल्टर्ड एलिमेंट्स के बेसिस पर न्यू एरे क्रिएट कर देता है हम फिल्टर मेथड को समझने के लिए सेम कोड यूज़ करेंगे जिसे हमने मैप मेथड के टाइम पे यूज़ किया था चलिए इस कोड में कुछ चेंजेस करते हैं पहला जैसे कि हमने कुछ देर पहले कहा था कि फिल्टर मेथड एरे के एलिमेंट्स को फिल्टर करता है बेस्ड ऑन द कंडीशन प्रोवाइडेड बाय अ फंक्शन तो अगर हम अपने कोड को देखें तो हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है तो चलिए हम एक कंडीशन को ऐड करते हैं सपोज हमें बस उन एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है जो इवन है तो हमें कोड में इसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी पहला हमें फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका चेंज करना होगा क्योंकि इनिशियली फंक्शन आर्ग्यमेंट को ले रहा था और उनके स्क्स को रिटर्न कर रहा था तो हम फंक्शन को अपडेट करेंगे एज एक्स इक्वल इक्वल टू टू सिर्फ उन वैल्यूज को रिटर्न करेगा जो इवन है हमें फंक्शन नेम को मैप से चेंज करके फिल्टर करना होगा हम वेरिएबल नेम स्क्वेयर्स को चेंज करके इवन अंडरस्कोर नंबर्स करेंगे जो हमारे केस के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है